तो बच्चों आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, आप दोनों कह सकते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। तो देखिए सार्थक अंक होता क्या है, तो किसी माप या फिर आप कोई नंबर ले लीजिए और उस नंबर में जो भी विश्वसनीय अंक होंगे और अंतिम वाला जो संदिग्ध अंक है, सभी को मिला करके बच्चा क्या बन जाता है? सार्थक अंक बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक और अंतिम संदिग्ध अंक क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। तो बच्चा डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है कि किसी, हमने क्या कहा कि किसी माप अथवा संख्या में सभी कैसे विश्वसनीय अंक तथा अंतिम कैसा बच्चा? अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चा इसके उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किसी दरवाजे या क्षण की लंबाई किसी दरवाजे या क्षण की लंबाई हमने कहा बच्चा 4.53 मीटर है। कितनी है? 4.53 मीटर है। तो मेरा लाल इसमें 4 और 5 कौन? 4.5 ये कैसे अंक हैं? ये है विश्वसनीय अंक। बच्चा ये कैसा अंक है? विश्वसनीय अंक। जबकि ये जो देख रहे हो 3 कौन सा? 3। तो बच्चा 3 कैसा है? यहां पर 3 जो है वो है संदिग्ध अंक। 3 कैसा है? संदिग्ध अंक। आइए इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सोचो कि तुम्हारे घर का ये बच्चा है दरवाजा है, ये क्या है? दरवाजा है, या आप खिड़की कह लो, जो समझो। तो आपके यहां जब कौन? कारपेंटर आता है दरवाजा बनाने, तो बेटा देखा होगा तुमने तुम्हारे दरवाजे की वो जो माप लेता है, जो माप लेता है, तो मान लिया उसने थोड़ी देर के लिए ले लिया 6.53 मीटर, ठीक है? क्या ले लिया? 6.53 मीटर। वैसे इतना लंबा दरवाजा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने कह दिया, ठीक है, 6.53 मीटर ले लिया। अब बेटा तुम देखते हो वो जब दरवाजा एक बार बना देता है, अब बना के फिर उसमें दरवाजे को सेट करने आता है, तो तुमने देखा होगा एक बार में दरवाजा कभी सेट नहीं होता। तो क्यों सेट नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरा बच्चा ये हुआ कि उसने मेजरमेंट क्या नहीं किया था? उसने तो मेजरमेंट किया था, लेकिन फिर भी दरवाजा सेट ही नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि वो जो मेजर कर रहा है वो बाकी लगभग तो सही है, लेकिन मिलीमीटर में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है। क्योंकि उसके पास जो पैमाना है, क्या वो मिलीमीटर का पैमाना है? जी बिल्कुल नहीं, उसने तो पूरा मीटर वाला पैमाना ले रखा है, तो क्या मिलीमीटर को वो मेजर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उतनी ही जो मिलीमीटर की वो जगह रह जाएगी, उसमें तो दरवाजा सेट नहीं होगा। तो उसके लिए फिर से तुम देखते हो वो उसके ऊपर फिर से रंदा लगाता है, रंदा लगा के फिर लेकर के आता है, तो फिर कभी कभी क्या हो जाता है, देखते हो थोड़ी सी जगह रह जाती है ऊपर सांक जैसी, तो वो क्यों रह गई? इसका मतलब उसने अब रंदा ज्यादा लगा दिया, या कभी कभी वो सेट ही नहीं बैठता। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मिलीमीटर, यानी कि लास्ट वाला जो है तुम देखे होगे, तो हमने क्या कहा बच्चा कि 6.53 मीटर है।
तो वो जो गड़बड़ हुआ, तो देखो 6.5 में तो कोई गड़बड़ नहीं करता है, वो मिलीमीटर में गड़बड़ करता है। इसका मतलब जो गड़बड़ करेगा वो संख्या कौन सी होगी? 3, क्योंकि ये 5 की जगह 5 3 की जगह 5 4 भी हो सकता है। कितना? 5 4। कि अगर वो 6.54 का बनाता दरवाजा तो एकदम क्या बैठ जाता? सेट बैठ जाता। या ये भी हो सकता है कि ये हमने कहा बेटा क्या हो सकता है 6.54, या ये भी हो सकता है 6 दशमलव और उसके बाद में बच्चा 5 2 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है 6.55, मींस यहीं पर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। तो आप यहां पर बच्चा देख रहे हैं कि 6 और 5 ये कैसे थे? ये तो थे तुम्हारे कैसे विश्वसनीय अंक, मीन्स इनमें कोई गड़बड़ नहीं हो रहा। लेकिन जो आखिरी वाला अंक है वो क्या है? संदिग्ध है, मीन्स मेजरमेंट वहीं पर गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी दरवाजे क्षण की हमने क्या की? माप की। फिर माप करने के बाद में उसमें देखा बच्चा कि हमें कुछ क्या मिले? विश्वसनीय अंक। जैसे कि आप यहां देख रहे हो 6 और 5 क्या है? विश्वसनीय। यहां पर 6 5 6 5 6 5, लेकिन संदिग्ध कौन है? इसमें 3 है 4 है 2 है और 5 है। तो क्या हमने कहा कि किसी दरवाजे या क्षण को हमने क्या किया? माप किया। माप में क्या देखा? हमें क्या मिले बच्चा? कुछ विश्वसनीय अंक, और लास्ट वाला क्या मिला? संदिग्ध अंक। तो विश्वसनीय और संदिग्ध को मिला करके कुल मिला के क्या बन गया? कुल मिला के बच्चा बन गया सार्थक अंक। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी माप या संख्या में विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक के क्या है? कुछ नियम है। क्या है? कुछ नियम है। तो बच्चा हम लोग लिखते हैं नियम नंबर 1। तो मेरा लाल, नियम नंबर 1 क्या है? देखिए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब अशून्य अंक बच्चा क्या होता है? जिनमें 0 ना आए। जैसे कि अशून्य अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब मेरा बच्चा क्या है? अशून्य अंक हैं। तो हमने क्या कहा? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 12 3 100 75। तो 12 3 100 75 में अगर तुमसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, मीन्स सार्थक अंक कितने होंगे, तो तुम क्या कहोगे? हमने कहा सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। तो क्या यहां देखिए सबके सब अंक कैसे हैं? अशून्य है। तो बच्चा यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या बना, या सिग्निफिकेंट नंबर इक्वल क्या बना? 1 2 3 4 5, बच्चा क्या बन गया? 5। जैसे कि हमने दूसरा ले लिया, दूसरे में हमने कह दिया 5.34। तो यहां पर जो है तुम्हारे सिग्निफिकेंट नंबर में सार्थक अंक क्या बनेंगे बच्चा? यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर बनेंगे 3 बनेंगे। बच्चा क्या बना? 3 बना। अब नंबर 2 ले लेते हैं। हमने लिखा नंबर 2। तो बेटा दो अशून्य अंकों के बीच हमने क्या कहा कि दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। हमने क्या लिख दिया कि अगर कोई दो अशून्य और अशून्यों के बीच में जितने भी शून्य आ जाएंगे वो सब सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए हम देखें, हमने कहा कि 1 2, उसके बाद में 0 0 3 लिखा है, या कहीं पर लिखा है 2 0, उसके बाद में 5, और लिखा है हमने कहा 1 0 0 0 2। तो यहां पर बेटा आप देखिए, हमने क्या कहा कि दो कैसे
नॉन जीरो नंबर्स के बीच जितने जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब दो अशून्य अंकों के बीच जितने जीरो आएंगे। तो यहां पर देखिए दो और तीन के बीच कितने हैं, दो जीरो, तो ये भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। दो और पांच के बीच कितना जीरो, एक, ये भी सार्थक अंक होगा। एक और दो के बीच बेटा कितने हैं, जीरो, तीन, ये भी सब सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो बेटा अगर यहां से देखो सिग्निफिकेंट नंबर SN इक्वल तो 1, 2, 3, 4, 5 बेटा कितने होंगे, पांच। यहां से अगर देखो आप सिग्निफिकेंट नंबर तो बेटा कितने होंगे, 1, 2, 3, तो सिग्निफिकेंट नंबर इक्वल कितने हो गए, तीन। उसके बाद यहां देखो तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5 यहां सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि सार्थक अंक कितने होंगे मेरा लाल, पांच होंगे। कितने होंगे, पांच होंगे। इसके बाद बच्चा नियम नंबर तीन, तो नियम नंबर तीन देखिए क्या है, दशमलव, हमने क्या कहा, दशमलव, दशमलव रहित संख्या, दशमलव रहित संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब जो हमारा नियम नंबर तीन है वो बेटा कह रहा है कि कोई ऐसा हमें संख्या दी गई है जिसके अंत में शून्य आएंगे तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे, मीन्स सार्थक अंक में नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे कि हम क्या लिख देते हैं, हमने लिख दिया 2, 3, 4, 5, 0, 0 और हमने अगला लिख दिया 1, 2, 0, 0, 0, 0 ये लिख दिया। तो हमने क्या लिखा है बेटा, दशमलव रहित संख्या, मतलब हम ऐसी संख्या की बात कर रहे हैं जिसमें दशमलव ना हो। और दशमलव रहित संख्या तो 2, 3, 4, 5 क्या इसमें दशमलव है कहीं, नहीं है। 1, 2 फिर 0, 0, 0 इनमें है बेटा क्या दशमलव, नहीं। तो ये कैसी संख्याएं हैं, दशमलव रहित संख्याओं के हमने क्या कहा, अंत में। तो देखिए 2, 3, 4, 5 के बाद यानी कि अब यही तो अंत स्टार्ट होता है 0, 0, इधर 1, 2 संख्या इसके बाद सब क्या बेटा लगे हैं 0, 0। तो यहां जितने भी जीरो हैं क्या हैं, जैसे कि ये दो जीरो हैं, उसके बाद में ये तुम्हारे चार जीरो हैं, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहां अगर बेटा पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट नंबर तो 1, 2, 3, 4 कितने होंगे बच्चा, चार। यहां कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर बराबर बेटा तुम्हारे होंगे दो। कितना मेरा बच्चा होगा, दो होंगे। नियम नंबर अगला बच्चा इसके बाद में चौथा क्या है, देखिए नियम नंबर चार है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पहले, हमने क्या कहा, दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद वाले, तो दशमलव के तुरंत बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो बच्चा हमने नियम नंबर चार में आपको क्या बताया कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब बेटा जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल में बेटा है, पहला हमने लिख दिया 0.00235, अगला बच्चा हमने लिख दिया 0.00046,
चार, एक, दो, तीन, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या कहा, देखिए अब हमें बेटा हमने क्या, यदि किसी संख्या में, तो देखिए ये हमने संख्याएं ली, संख्या में दशमलव बिंदु के पहले, तो देखिए ये दशमलव बिंदु यहां ये, और दशमलव बिंदु के पहले देखो कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक हमने आपको बताए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, तो इसमें से कोई है ही नहीं अशून्य अंक, तब तुमने क्या लिखा, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो क्या होगा, तब क्या होगा, दशमलव के तुरंत बाद, तब दशमलव और दशमलव के तुरंत बाद ये देखो जीरो लगे, ये जीरो लगे, ये वाले सार्थक अंक नहीं होंगे। तो बेटा यहां से आप देखेंगे ये तो आपके सार्थक अंक होंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो आपके सार्थक अंक होंगे नहीं, तो बचे बेटा कितने सार्थक अंक, एक, दो, तीन, चार, यहां कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, चार, यहां बेटा कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, यहां होंगे सिग्निफिकेंट नंबर बराबर तीन, या कोई एक और एग्जांपल कुछ ऐसा लिख देते हैं 0.04053। अब बेटा यहां देखिए कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक ना हो तब दशमलव के तुरंत बाद वाला शून्य क्या होगा, सार्थक नहीं होगा, लेकिन यहां पर बीच में ये जीरो है ये सार्थक होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नियम नंबर दो कि अशून्य अंकों के बीच के शून्य होते हैं, तो यहां सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे, एक, दो, तीन, चार, यहां बेटा होगा सिग्निफिकेंट नंबर बराबर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। नियम नंबर पांच, तो बच्चा अब नियम नंबर पांच देखते हैं, तो देखिए नियम नंबर पांच क्या है, तो नियम नंबर पांच है बेटा कि अगर हमने क्या कहा, अगर कह लो या कह लो यदि, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पहले, दशमलव बिंदु से पहले, दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव संख्या के तुरंत बाद वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे, सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। हमने कहा बेटा कि यदि अपने को कोई ऐसी संख्या दे दी जाए जिसमें क्या हो, दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक हो, समझने के लिए कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 1.0253, या अगला हमने बच्चा ले लिया 1.0052, ठीक है। तो आप यहां पर लाल देखिए, हमने क्या कहा, हमें ये जो संख्या दी गई है ये दोनों, इसमें क्या हुआ है, दशमलव बिंदु के ठीक पहले हमने कहा, तो देखिए दशमलव बिंदु ये और इसके ठीक पहले क्या है, अशून्य अंक है, पर बेटा यहां पर भी देखिए इसके ठीक पहले दशमलव के अशून्य अंक है, ठीक है। तो अब दशमलव के तुरंत बाद ये देखिए दो शून्य और इधर ये एक शून्य, ये भी बेटा क्या होगा, ये भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो यहां पर अगर कोई आपसे कहे कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर, तो बेटा अब हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, बेटा कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, पांच। उसके बाद यहां देखें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां बेटा सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे टोटल, यहां भी हो जाएंगे आपके पांच। अब नियम नंबर छह है बेटा कि यदि कोई दशमलव रहित संख्या, यदि कोई दशमलव रहित संख्या माप को व्यक्त करती है, किसको बेटा, माप को व्यक्त करती है तो उस संख्या के, तो उस संख्या के दाई ओर के
समस्त अंक, समस्त अंक, सार्थक अंक अंक होंगे। जैसे कि हमने ले लिया 5132000 किलोग्राम। तो बेटा आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि इतने किलोग्राम है। या हम कोई दूसरी ले लेते हैं, दूसरा नंबर हमने लिख दिया 5245 मीटर। इतने बेटा ये क्या है, मीटर। तो यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चा, तो हमने क्या कहा कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर दे दिया गया है जो माप को व्यक्त करता है, किसको, माप को। अब माप वो किलोग्राम में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है, ग्राम में हो सकती है, ठीक है, किसी में भी हो सकती है। तो बच्चा वहां पर जो ये जीरो होंगे लास्ट वाले, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 बच्चा कितना है सिग्निफिकेंट नंबर, 6। उसके बाद में यहां देखें अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर, यहां भी हमने कुछ जीरो बढ़ा दिए, तो 1 2 3 4 5 6 यहां भी बेटा कितने हैं, 6 होंगे। कितने होंगे बच्चा, 6 होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 6 होंगे। इसके बाद में अगला नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 बेटा क्या है कि अगर किसी नंबर में यदि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या में 10 की घात से, 10 की घात से गुणा, 10 की घात से गुणा करा दी जाए, गुणा करा दी जाए, तब तब उस संख्या, उस संख्या के सार्थक, उस संख्या के सार्थक अंक या अंकों पर कोई प्रभाव, कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चा जैसे हम ले लेते हैं, हमने वो संख्या ले ली 1034 मल्टीप्लाई बाई 10^10 क्या लिख दिया, 3, ठीक है। या हमने अगला ले लिया नंबर 1234 मल्टीप्लाई बाई 10^2। तो बच्चा यहां पर हम देखें अगर सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 कितनी होंगे बच्चा, सिग्निफिकेंट नंबर 4। उसके बाद में यहां पर अगर देखें तो आप कहेंगे 1 2 3 4 हैं, कितने हैं बच्चा, 4 हैं, ठीक है, लेकिन घात लगी है तो घातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी बच्चा क्या रहेगा अपना, सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 4 ही रहेगा, ठीक है बच्चा। अब बच्चा नियम नंबर 8 देखते हैं, ये क्या है, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का मात्रक, मात्रक बदलने पर, मात्रक बदलने पर उसके सार्थक अंकों में, उसके सार्थक, उसके सार्थक अंकों, अंकों में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे कि बेटा हम कोई भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या ले लिया, 4.254 किलोग्राम। तो यहां अगर आपसे बेटा कोई सिग्निफिकेंट नंबर पूछे तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 कितने हैं, सिग्निफिकेंट नंबर इक्वल 4। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, किलोग्राम को हमने बच्चा ग्राम में बदल दिया, तो हम जानते हैं तो ये 4.254 किलोग्राम। अब एक किलोग्राम में 1000 बेटा ग्राम, तो गुणे क्या करेंगे, 1 2 3, ये क्या हो गया, किसमें चेंज हो गया, ग्राम में, किसमें बच्चा चेंज हुआ, ग्राम में। तो इसी को अब 1000 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4254 ग्राम ये हुआ। तो अब बच्चा देखिए यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने रहे, अभी तो 1 2 3 4 ही हैं, कितने हैं बच्चा, 4 ही अभी हैं, तो सिग्निफिकेंट नंबर बच्चा क्या हुआ, 4। उसके बाद में अगला हम देखते हैं,
अब इसको ग्राम को हमने मिलीग्राम में चेंज कर दिया, तो बच्चा अगर मिलीग्राम में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 4254 गुणे 10^3, ये क्या बन गया, मिलीग्राम। तो अब देखिए घातें लगाने से तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 अब भी बेटा कितने हैं सार्थक अंक, अगर यहां पर देखा जाए तो ये सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो अब भी बेटा क्या है, 4 ही है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।